हमारे सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन हिंदी चैनल को और साथ में घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। अब तक की सबसे किफायती मारुति कार जल्द होगी भारत में लॉन्च, जानिए क्या है खासियत। मारुति अब लगातार नई नई कारों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही मारुति ने एक और कदम उठाते हुए अपनी सबसे अधिक बिकने वाली छोटी कार ऑल्टो 800 का RS एडिशन भी प्रोडक्शन के लिए भेज दिया है, ताकि आगे आपको ऑल्टो 800 में बेहतर से बेहतर फ्यूचर देखने को मिल सके। तथा इस कार की पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो देखना तो पूरा बनता है। मारुति ऑल्टो 800 RS के नाम से बनाई गई ये कार दिखने में काफी हद तक साधारण ऑल्टो 800 जैसी ही नजर आती है, मगर दोस्तों सामने की ओर दिया गया बड़ा बम्पर और चौड़े हेडलैम्प्स और मस्कुलर टेल लाइट के चलते इससे बेहतर बना दिया गया है, जिसे जल्द बाजार में देखा जा सकता है। दोस्तों इंजन की बात करें तो कार में आपको 800 सीसी का इंजन मिलता है, जिसमें कंपनी द्वारा थोड़े बदलाव किए जा सकते हैं, जो आपको बेहतर पावर और टच के आंकड़े देने में मदद करेगा। माइलेज की बात करें तो यह साधारण ऑल्टो से 2 या 3 किलोमीटर प्रति लीटर ज़्यादा माइलेज की वृद्धि हो सकती है। कीमत की बात करें तो ये दोस्तों 20 से 25 हज़ार रुपये तक की का प्राइस होगा, जो नॉर्मल जो ऑल्टो है 800 उससे थोड़ा सा 20 से 25 हज़ार रुपये ऊपर रखा जाएगा। साधारण ऑल्टो के मुकाबले जो मारुति की सबसे अधिक बिकने वाली कार बनाने में सक्षम होगी, जैसे साल के अंत तक लॉन्च की जा सकती है। तो इस साल के अंत तक दोस्तों 2019 के एंड तक ये कार आपको देखने को मिल जाएगी, RS का न्यू मॉडल, ठीक है दोस्तों। और याद रखिए, ये ऑल्टो 800 नहीं है, ये ऑल्टो 800 RS है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और शोरूम पे भी विजिट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बनता है, तो एक लाइक तो दोस्तों आप कर ही दीजिएगा, और बाकी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 घंटे खुला है, कमेंट भी कर दीजिएगा।